नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल वर्चुअस में। मैं ध्रुव धनकर, XSBIP हूँ। आज फिर से आपके लिए एक बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन लेकर आया था जो हमने आपको प्रॉमिस किया था। आप सभी जानते हैं IBPS PO प्री 2019 की पहली शिफ्ट कुछ मिनटों पहले ही कंप्लीट हुई है, और जैसे ही एक्यूरेट, जैसे ही रिलायबल इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, आपके साथ जल्दी से जल्दी शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अगर पसंद आए तो कमेंट और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अब इस वीडियो में हम क्या क्या बात करने वाले हैं, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज क्या क्या वेटेज रहा, पूरा एग्ज़ाम एनालिसिस, एग्ज़ाम रिव्यू, जिसमें लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या थी, कितने गुड अटेम्प्ट्स माने जाएंगे, सेक्शन वाइज सारी बातें करेंगे। तो लाइक पहले ही कर दीजिए, और बिल्कुल रिलायबल और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपके पास लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। कुछ भी गलत बताने की कोशिश नहीं कर रहे, हमें जो हमारे स्टूडेंट से जो बातें पता चली है वही बातें आपके साथ शेयर करेंगे। अब इस पे आप अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाहते हैं कि हाँ सर, और फर्दर कि इसमें भी इतने टाइप का था सर, लेवल में भी और इतने लेवल का आप कुछ ऐड करना चाहें, तो नीचे कमेंट में आप हमें बता सकते हैं। अब इसी के साथ साथ एक सेपरेट वीडियो आपको, जैसे ही शिफ्ट वन में पूछे गए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जैसे ही हमें मिलेंगे, उसका सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आज हमारे चैनल पे पूरी नज़रें रखनी है आपको, शिफ्ट वन से लेके एंड शिफ्ट तक, इवनिंग की जो फाइनल शिफ्ट रहती है वहाँ तक सारों के एग्जाम एनालिसिस प्लस क्वेश्चन आस्क, और एंड में फाइनल नाइट में एक सैटरडे को जो एग्ज़ाम देने जाएंगे उन स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मिस मत कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अब जो जो इन्फॉर्मेशन हमें पता चली है, जो जो इन्फॉर्मेशन हमें पता चली है उस इन्फॉर्मेशन पे बात कर लेते हैं। आप सभी को पता है तीन सेक्शन थे, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश। मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश। सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश की बात कर लेते हैं सबसे पहले कि इंग्लिश का क्या लेवल क्या था। तो तीनों ही सेक्शन में जो सबसे ईजियर सेक्शन माना गया वो इंग्लिश का था। इसमें ओवरऑल आप 25+ अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो 25+ तक अटेम्प्ट कर सकते थे अगर आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन अच्छी है। आरसी पूछा गया था, पांच एक आरसी पूछा गया था जिसका वेटेज था अराउंड 6 क्वेश्चंस। आरसी का जो टॉपिक था वो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, चाइना के स्कूल सिस्टम पे बेस्ड था या ऐसा कुछ था। अब एग्जैक्ट क्या है ये मुझे भी याद नहीं, अगर आपको याद हो तो ज़रूर बताइएगा। हमारे जो स्टूडेंट वो एग्जैक्टली बता नहीं पाए थे, उनकी आवाज़ कट रही थी बार बार, तो क्लियरली पता नहीं चल पाया कि किस बारे में बता रहे थे वो। अब आरसी के अलावा फिर आपका जो बाकी पेपर है इसी तरह से बहुत ही स्टैंडर्ड था। एरर डिटेक्शन के पूछे गए, 6 से 7 सवाल आपके एरर डिटेक्शन के थे। फिर आपके फ्रेज रिप्लेसमेंट जो आपके अंडरलाइन फ्रेज रहता है उसका रिप्लेसमेंट, जो आप पहले भी सवाल कर चुके हैं, 5 क्वेश्चंस पूछे गए। फिर आपसे वर्ड स्वैप के आपको पता है ऑलरेडी आप कर चुके हैं इस टाइप के सवाल। इनमें एक भी सेक्शन ऐसा नहीं था जिसमें कुछ अलग कुछ नया देखने को मिला, सभी आप पहले भी देख चुके। वर्ड स्वैप के 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्लोज टेस्ट जो काफ़ी समय से मिस हो रहा है उसकी वापसी हुई है, क्लोज टेस्ट के आपके अराउंड 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे, अराउंड 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो 25+ भी ना बोलूँ तो थोड़ा हार्श हो जाएगा, 20+ तो आप अटेम्प्ट कर ही सकते थे, 25 थोड़ा सा हार्श हो जाएगा, 20+ आप अटेम्प्ट कर सकते थे। मोर ऑन एन ईजियर साइड था, जो पेपर था इंग्लिश का ईजियर साइड पे था। आरसी पूछा गया, एरर डिटेक्शन, फ्रेज रिप्लेसमेंट, वर्ड स्वैप और क्लोज टेस्ट। तो ये आपका इंग्लिश का एनालिसिस रहा, 20+ आपका इसका गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। किसी प्रकार का कोई भी सरप्राइज नहीं था, बिल्कुल स्टैंडर्ड पेपर था, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंग्लिश के बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जल्दी से रीजनिंग की, ठीक है? रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग का जो पेपर का लेवल था वो अच्छा था, थोड़ा प्री के पेपर्स को देखा जाए तो पेपर का लेवल मॉडरेट एटलीस्ट आप मान सकते हैं। जिनकी रीजनिंग अच्छी नहीं है उनको मॉडरेट से ऊपर भी लगा, पर जिनकी अच्छी उनको एटलीस्ट मॉडरेट तो लगा ही होगा, मतलब मीडियम लेवल का था ही, जो आजकल जनरली देखने को नहीं मिलता है। अब क्या क्या था, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पजल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो 4 पजल्स आपसे पूछे गए थे, 4 सेट्स आपसे पूछे गए, हर सेट में 5 क्वेश्चंस। तो टोटल वेटेज आप सभी समझ सकते हैं, टोटल वेटेज कितने का था, 20 मार्क्स था। अब पर पजल के अपना एनालिसिस अच्छे से करते हैं, क्या टाइप था, क्या लेवल था, सारी बातें करेंगे। जल्दी से लाइक कर दीजिए, अगर लाइक नहीं किया आपको लाइक जल्दी से जल्दी करना है, ठीक है? और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, आपके साथ एक्यूरेट
आपके साथ एक्यूरेट एनालिसिस लाने की कोशिश करते हैं, और इसी प्रकार सारे शिफ्ट में जो जो हमें क्वेश्चंस मिलेंगे वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो चार पजल्स जो पूछे गए उनके बारे में देख लेते। सबसे पहली जो आपकी पजल थी वो लीनियर रो पजल थी, जिसमें सभी के सभी नॉर्थ फेसिंग थे, लीनियर रो थी पर विद एज वेरिएबल। मतलब आपके इसमें 6 लोग बैठे थे, 6 मेंबर्स आपको बिठाने थे एक सीधी रो में जो नॉर्थ फेसिंग है, पर उनके साथ साथ उनकी एज भी आपको असाइन करनी थी, ठीक है, जो आप सभी आराम से कर सकते हैं। अब इसके बाद जो सेकेंड टाइप था वो था आपका स्क्वायर सिटिंग पजल, बहुत ही स्टैंडर्ड था। कुछ मिडल में बैठे, कुछ कॉर्नर बैठे, और सभी के सभी अंदर की तरफ देख रहे हैं, ऐसा नहीं कुछ अंदर देख रहे हैं कुछ बाहर देख रहे हैं, सभी अंदर की तरफ देख रहे हैं। स्क्वायर सीटिंग अरेंजमेंट था, और कुछ कॉर्नर्स पे, कुछ कहाँ पर, मिडल ऑफ द साइड पे। और टोटल मेंबर्स कितने थे? टोटल 8 मेंबर्स थे। तो ये दोनों में से ये मोर ऑन एन ईजियर साइड था, ये स्क्वायर सीटिंग का थोड़ा ईजियर साइड था, लीनियर रूम में तो फिर भी एज का वेरिएबल था। अब तीसरा क्या था? तीसरा आपका था मंथ बर्थडे पजल। देखिए मंथ बेस्ड जो आपकी पजल रहती है ना, मंथ बेस्ड पजल जिसमें आपको बर्थ डेट्स के अकॉर्डिंग सेट करना पड़ता है, मंथ बेस्ड जो आपकी पजल रहती है ना जिसमें बर्थ डेट्स के अकॉर्डिंग आपको अरेंजमेंट बिठानी पड़ती है, उस पे था। पजल का लेवल डिसेंट था, पजल का लेवल इसका माना जाएगा डिसेंट, ईजियर साइड पे किसी तरीके से भी नहीं बोला जा सकता, मॉडरेट लेवल का पजल था, ठीक है। अब इसके अलावा ये तीन तो आपके ये हो गए, इसके अलावा एक पजल आपसे और पूछा गया था, एक सेट आपसे और पूछा गया था। सॉरी, लीनियर रो हो गया है, लीनियर रो प्लस एज स्क्वायर सीटिंग हो गया, मंथ बेस्ड हो गया, फिर एक सेट शायद तक आपका ऑर्डरिंग पे बेस्ड था, एक सेट जो था आपका शायद ऑर्डरिंग पे बेस्ड था, जहां तक मुझे याद है ऑर्डरिंग बेस्ड था। मतलब रैंकिंग के हिसाब से जमाना पड़ता है ना, कई बार वेट के हिसाब से, एज के हिसाब से, या हाइट के अकॉर्डिंगली, उस तरह का था, ठीक है। अब इसमें और कुछ एडिशन हो तो प्लीज़ कमेंट करके नीचे बताइएगा, नीचे कोई भी इसमें एडिशन हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये तो रही पजल्स की बात, अब बात कर लेते हैं जल्दी से बाकी जो टॉपिक्स थे उनमें से क्या क्या पूछा गया। तो एक बार इसको इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर अभी तक नहीं ले पाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ठीक है। अब देखते हैं, अब जल्दी से देख लेते हैं बाकी बचे हुए टॉपिक से क्या क्या पूछा गया था, क्या क्या लेवल था। अब कोडिंग डिकोडिंग आपकी बहुत इजी, कोडिंग डिकोडिंग जो ओल्ड पैटर्न रहता है जिसे चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग भी हम कहते हैं, 5 क्वेश्चन सीधे सीधे से पूछे गए, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। ब्लड रिलेशन पे एक शॉर्ट पजल पूछा गया था, 3 क्वेश्चन का वेटेज था, आराम से आप कर लेते। इसके अलावा इनइक्वालिटीज से, जो स्टैंडर्ड इनइक्वालिटीज रहते हैं इसमें, एक जनरली आपकी इनइक्वालिटीज में एक स्टेटमेंट रहता है, इसमें 2 स्टेटमेंट्स थे। किस तरह थे 2 स्टेटमेंट्स? हम जैसे स्टेटमेंट लिखते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल ए ग्रेटर देन बी बराबर सी ग्रेटर देन डी, अब बीच में कॉमा लगा देते, कॉमा क्या बताता है? दूसरा स्टेटमेंट स्टार्ट हो गया, सी बड़ा है ई से बराबर है एफ है, इस प्रकार आपको इस तरीके से आपको दिए गए थे। इसमें कितने सवाल पूछे गए थे? 5 क्वेश्चन से सभी के सभी डिवेल थे। ब्लड रिलेशन भी इजी, कोडिंग डिकोडिंग मिसेलिनियस टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत थी, वो ज़्यादा इजियर थे। और इसके अलावा आपका कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटीज, फिर आपसे पूछा गया था अल्फ़ाबेट बेस्ड, 1 से 2 सवाल आपके, 1 से 2 क्वेश्चंस आपके अल्फ़ाबेट, जो सिंगल जो सवाल आते हैं, सिंगल सीरीज वाले नहीं, सिंगल वाले सवाल। तो ये आपका रीजनिंग का टोटल वेटेज था। अब मॉडरेट लेवल था, मॉडरेट टोटल 35 वेटेज था, तो अगर आप 25 के अराउंड अटेम्प्ट कर पाते हैं तो अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा, 25 के अराउंड जो आप कर सकते थे, ऐसी कोई इतनी बड़ी बात नहीं, 25 के अराउंड अगर आप अटेम्प्ट कर पाते हैं तो डिसेंट अटेम्प्ट माना जाएगा। अब हमारा फाइनल सेक्शन बचता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या मैथ्स, ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर मैथ्स। अब क्वांट का लेवल भी बेटर था, क्वांट का लेवल भी डिसेंट था। बारी बारी से मैं आपको सारे टॉपिक वाइज बता देता हूँ। जो बड़ा सरप्राइज था, नो नंबर सीरीज, नंबर सीरीज नहीं पूछा गया था, ना ही मिसिंग थी और ना ही क्या थी आपकी रॉन्ग। तो आने वाली शिफ्ट्स है उनको थोड़ा सा रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि नंबर सीरीज पहली शिफ्ट में नहीं पूछी गई तो आगे ज़रूर पूछी जाएगी, ये मान के चलिए। अब इसके बाद डीआई के बारे में बात कर लेते हैं। तो 3 डीआई आपसे पूछी गई थी, केसलेट डीआई, ठीक है, एग्जैक्ट अभी इन्फो हमारे पास है नहीं कि केसलेट डीआई किस पे था,
टेबल डीआई पूछा गया था और फाइनल था आपका लाइन डीआई था। लाइन डीआई में आपको मेल टू फीमेल रेशियो दिया गया था, मेल टू फीमेल रेशियो दिया गया था, ठीक है। और बाकियों की जैसी डिटेल मिलती है या क्वेश्चन मिलता है आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। केसलेट टेबल देन लाइन, तीन डीआई पूछे गए थे, कोई नंबर सीरीज था नहीं। फिर अप्रोक्सीमेशन के आपसे अराउंड 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज के भी, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज के भी 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज के भी 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब सिर्फ एक ही टॉपिक बचता है, कौन सा, अर्थमैटिक या मिसलिनियस। अर्थमैटिक या मिसलिनियस उससे आपसे पूछे गए थे अराउंड 10 क्वेश्चंस, अर्थमैटिक या मिसलिनियस उससे अराउंड 10 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। तो पेपर का पैटर्न तो वैसे काफी स्टैंडर्ड था, कुछ सरप्राइज नहीं था, कुछ अलग टाइप का देखने को मिला, अलग कुछ भी नहीं था। बस क्वांट में ही ध्यान रखिएगा, नंबर सीरीज नहीं पूछी गई थी, इसके बजाय उन्होंने अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन नहीं अप्रोक्सीमेशन पूछा। और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज के 5 क्वेश्चंस दिए, वही स्टैंडर्ड 3 डीआई, केसलेट टेबल देन लाइन, और अर्थमेटिक के जो स्टैंडर्ड आपके 10 क्वेश्चंस आते हैं वो पूछे गए। अब इसमें गुड अटेम्प्ट क्या माना जाएगा, अगर आप 20 से प्लस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, 20 से प्लस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो इसे डिसेंट अटेम्प्ट माना जाएगा। क्वांट में 20 प्लस, रीजनिंग में अराउंड 25 और इंग्लिश में भी 20 प्लस डिसेंट अटेम्प्ट माना जाएगा। तो पेपर का लेवल इजी नहीं था, जितना इजी सोच रहे थे सभी कि बहुत इजी आएगा, उतना इजी आया नहीं। इंग्लिश का ऑल्दो इजी था, पर क्वांट और रीजनिंग का ठीक ठाक लेवल का पेपर था, जितना इजी सोच रहे थे उतना इजी आया नहीं। अब बाकी आप अपने भी अटेम्प्ट, अपने क्वेश्चंस या और कोई करेक्शन है, कुछ और ऐड करना चाहते हैं एनालिसिस पे, तो नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। जाने से पहले आप सभी से फिर से एक बार रिक्वेस्ट, आपको रिमाइंड करवा देता हूँ, आज का पूरा दिन आईबीपीएस पीओ प्री को ही डेडिकेटेड रहेगा। एग्जाम एनालिसिस, देन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, देन एग्जाम एनालिसिस, मेमोरी बेस्ड, इस तरह से सारी की सारी शिफ्ट्स हम कवर करेंगे। और इन दी एंड सारी शिफ्ट्स को मिला के क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है, या संडे को आने वाले स्टूडेंट्स को किन किन बातों के बारे में ध्यान रखना है, कोई सरप्राइजेज या सर्टेन पैटर्न क्या रहने वाला है, सारी बातें करेंगे। लाइव लाइव तो नहीं, पर फेस टू फेस मैं आपके साथ हूँगा विद डिस्कशन सेशन के साथ। तो आज का जो हमारा जितने भी सेशंस हैं उनको अच्छे से फॉलो कीजिए और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, हैव अ ग्रेट डे।